हाय गाइज, नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम प्रिंसेस स्टाइल ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से, बिना किसी फालतू अगड़म झगड़म के। तो मेजरमेंट मैंने आपको पूरा दे दिया है, जहाँ पर मैं टोटल लेंथ रखूँगी 14.5 इंच, शोल्डर 6.5 इंच, आर्म होल 6.5 इंच, चेस्ट 38 इंच और वेस्ट 30 इंच। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट अपनी। तो यहाँ पर हम शोल्डर लेने वाले हैं 6.5 इंच, 6.5 इंच शोल्डर ले लिया है। उसके बाद आर्म होल का नाप हम लेंगे, अगर ऊपर से हम मार्जिन का मार्क निकाल दें, मार्जिन के साथ लेंगे तो 6.5 इंच पर लेंगे। अगर मार्जिन का मार्क पहले हम लगा देंगे उसके बाद लेंगे तो 6 इंच लेंगे। जो फोल्डेड वाली साइड है वो मेरी साइड पर है, ओपन साइड हमारे इधर की साइड दूसरी साइड पर है। तो अभी हम पहले मार्जिन में 1/2 इंच का मार्जिन लगा लिया है। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे एकदम से, और सीधा करने के बाद अब हम आर्म होल का निशान इसके नीचे से लगाएंगे। तो मैं 6 इंच पर लगाऊंगी और इस तरह से हम यहाँ पर बैक वाले आर्म होल की इसको शेप देंगे। तो हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, फ्रंट पार्ट के हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट का पार्ट है 38 इंच, अगर 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9.5 इंच, यानी कि 9.5 इंच। तो मैं 9.5 इंच पे मार्क लगाऊंगी और उसके बाद 2 इंच मैं मार्जिन के लिए यहाँ पर रखूँगी। तो बैक पार्ट में ऊपर की साइड पर 2 इंच मार्जिन काफ़ी है, ऊपर ना डॉट्स ना प्लेट्स ना कटिंग कुछ नहीं होता, तो एक्स्ट्रा मार्जिन और हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे 15.5 इंच पर मैं नीचे एक मार्क लगा लूँगी, क्योंकि मुझे लेंथ 14.5 इंच रेडी चाहिए। तो 1/2 इंच का ऊपर 1/2 इंच नीचे हमारा मार्जिन चला जाएगा। तो वेस्ट है 30 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 7.5 यानी 7.5 इंच आ जाएगा। 2 इंच प्लेट्स के लिए और 2 इंच मार्जिन, इस तरह से हम यहाँ पर 2 मार्जिन लेंगे, 2 इंच प्लेट्स के लिए डॉट्स जो लगाएंगे हम और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर 4 इंच नाप के नीचे मैं प्लेट्स के लिए यहाँ पर मार्क लगाऊंगी इस तरीके से, और नीचे से 4.5 नाप लेंगे क्योंकि 1/2 इंच मार्जिन का है, तो इसीलिए 4.5 इंच पर एक मार्क लगा लिया। और लाइन को सीधा कर लेंगे और दोनों साइड से इसे तिरछा कर लेंगे। इस तरीके से हमें दोनों प्लेट्स बना लेनी है। ये हमारी एक साइड की आ गई है, और अभी जो हमने मार्क लगाया है उसे मार्क के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी है, और ये जो इसकी ओपन वाली साइड होती है इस साइड पर 1/2 इंच का मार्क लेते हुए और सेंटर से थोड़ा सा इस तरह से हम इसे कट करेंगे, सेंटर से किनारे तक। सेंटर पे हमारा उतना ही रहेगा, और जो किनारा है उसे हम हल्की सी 1/2 इंच कट कर देंगे। तो अभी बैक पार्ट तो हो गया है, फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले तो मैंने बैक पार्ट को इसके ऊपर ही रख दिया है। मेज़रमेंट थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन शोल्डर वगैरह हमारे मेज़रमेंट में उतने ही होंगे। तो थोड़ा शोल्डर को मैंने डाउन कर दिया है हल्का सा, और यहाँ पर मार्क लगा लिया मैंने, और ये नीचे से फिटिंग का लगा लिया और लेंथ इसके बराबर ले ली। उसके बाद हम यहाँ पर 6 इंच पे मार्क लग 6.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, क्योंकि मार्जिन नहीं लगाया है बिना मार्जिन, और फिर हमारा यहाँ पर कटिंग भी हो जाएगा, तो इसीलिए 6.5 इंच पे। तो ये हमने फ्रंट वाले आर्म होल की यहाँ पे शेप देनी है। उसके बाद हमारी फिटिंग मेजरमेंट वही है जो हमने बैक पार्ट पे लगाई थी, और ऊपर हमारे मार्जिन फालतू आ जाएंगे, यानी 2 इंच का मार्जिन और 1.5 इंच का मार्जिन, और इस तरह से ऊपर हमने 2 मार्जिन लगा दिए हैं, क्योंकि ऊपर से हमारा कट होगा तो उसमें भी मार्जिन चला जाएगा, इसमें भी कपड़ा जाएगा। और बैक पे हमारा उसमें भी बैक के लिए प्लेट्स के लिए था, तो इसमें फ्रंट के लिए भी है ही, तो नीचे वाला हमारा मार्जिन सेम ही रहेगा। तो अभी ऊपर से 10 इंच पे मैं एक मार्क लगाऊंगी, ऊपर से 10 इंच पे एक मार्क लगाया, उसके बाद नीचे से मैं 4 इंच पे मार्क लगाऊंगी चौड़ाई से, और यहाँ पर भी जहाँ पर 10 इंच का मार्क लगाया वहाँ पर भी एक 4 इंच तक लगाऊंगी, और इस तरह से फिर इनसे हम आर्म होल तक गोलाई की शेप में मार्क कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा कुछ गोलाई की शेप में इस तरह से आ जाएगा, और नीचे से बिल्कुल सीधा है। अभी इसको भी करेंगे, तो 2 इंच का निशान लगाया मैंने, 2 इंच का निशान लगाने के बाद 2.5 इंच का ऊपर को लगाया, क्योंकि 1/2 इंच का मार्जिन है, और उसके बाद इसके 2.5 इंच तक सीधा करने के बाद इसको भी यहाँ से हम कर्व शेप दे देंगे इस तरह से। इसको भी हमने गोलाई की शेप दे दी, और हल्का सा मैंने उस लाइन को भी तिरछा कर दिया, बहुत हल्का सा जरा सा। और अभी इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये हमने कट कर दिया है, और इस पार्ट को हम इस तरह से यहाँ से कट करेंगे, ये आर्म होल तक हमने कट कर लिया, और जो ये हमारा एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है बीच में इसको भी काट कर हम हटा देंगे। तो अभी हमारी कटिंग हो चुकी है, और इसी की तरह हम मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेते हैं। सेंटर का मार्क भी लगा लिया मैंने, तो ये है हमारा मेन फैब्रिक, और ये इसके साइड में आ रही लेस, इसको मैं हटा लूँगी, इसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे। और यहाँ से हम पहले तो फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट हमारा 3 भागों में डिवाइड हो गया है, 2 साइड के और 1 सेंटर का।
तो अभी कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। वो सेट करने के बाद ये हमारा सेंटर का भाग है फ्रंट पार्ट का, तो इसी के अनुसार हम पहले कटिंग कर लेते हैं इस कपड़े की। हल्का सा एक्स्ट्रा रखते हुए कर लेंगे क्योंकि सिलाई में थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाएगा, बाद में हम काट के उसे एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने किया इसको डबल फोल्ड, और डबल फोल्ड करने के बाद ये हमारे दोनों पैनल्स हैं ये आ जाएंगे साइड के, इनकी भी कटिंग हम करेंगे। और इसकी कटिंग हम जब करेंगे मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से, इनको दोनों को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, दोनों एक ही साइड में आ गए तो ख़राब हो जाएंगे। तो अभी जल्दी से कटिंग कर लेती हूँ। यह फ्रंट पार्ट का सेंटर वाला भाग, तो हमें इसमें साइड में चैन लगाएंगे, तो इसलिए हमने सेंटर वाले भाग को ओपन नहीं रखा है। अगर आपको हुक्स लगाने हैं तो उसके लिए ओपन रखना होगा। तो यहाँ पे मैं साइड में चैन लगाऊंगी। बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे, उसके लिए डबल फोल्ड कर लेंगे कपड़े को, और डबल फोल्ड करने के बाद सेम टू सेम इसके बराबर हम कट कर लेंगे, या फिर हल्का हल्का सा अस्तर से बड़ा रख लेंगे। तो अब ये दोनों पैनल्स ले लूँगी, डबल फोल्ड किया कपड़े को, और इन दोनों को लेने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और कट कर इन्हें एक कोने से कहीं से भी निकाल लें आप। स्लीव के लिए भी हमें कपड़ा रखना होता है, इसीलिए इनको अब मैं कट करूँगी और इन दोनों को एक दूसरे के, यानी दोनों एक साइड में, राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में इस तरह से आना चाहिए आमने सामने। ये दोनों एक साइड के हो जाएंगे तो फिर हमारा ब्लाउज जो है ख़राब हो जाएगा, इसलिए ये इसके आमने सामने आने चाहिए इस तरह से, ये लेफ़्ट साइड एक राइट साइड, इस तरीके से इनको हम इस पर कच्ची सिलाई लगा कर इनको जोड़ लेंगे, एक लेफ़्ट साइड का और एक राइट साइड का। दोनों एक साइड के हो जाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।